बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम राशिद कैनी एंड टुडे आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर ऑन द टॉपिक पॉइंट लाइंस एंड प्लेन्स। दिस इज ओ लेवल मैथमेटिक्स एंड आई एम फॉलोइंग कैम्ब्रिज करिकुलम। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स angles. Secondly, we will be able to solve problems involving angles in a straight line and vertically opposite angles. Thirdly, we will be able to solve problems involving angles formed by parallel lines and the transversal. That is corresponding angles, secondly alternate angles, and thirdly internal angles. So this is all basic outcomes after learning this topic. So I start with the definition of point. So what is the point? A geometrical figure which has position but no shape or size is called point. एक पॉइंट बेसिकली ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी एक पोजीशन तो है लेकिन इसकी कोई शेप या कोई साइज इसका नहीं होता। देखें कि कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ जिसको आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है। ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, इनकी शेप भी है, इनका साइज भी है, बट पॉइंट एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी कोई शेप और कोई साइज नहीं होता। और ये पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक छोटे से डॉट के साथ, और इस डॉट को हम अल्फाबेटिकली एक नाम दे सकते हैं, यानी कि ए, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी, या फिर पॉइंट को हम एक छोटे से क्रॉस के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको अल्फाबेटिकली कोई भी नाम हम इसका सुजेस्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की या इस डॉट की कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है इसका, मगर इसकी एक पोजीशन जरूर है। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम पॉइंट कहते हैं। और जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं वो बहुत सारे इन्फिनिट मेनी पॉइंट से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन की डेफिनेशन तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन भी बेतहाशे इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनती है, यानी एक पॉइंट के साथ पॉइंट जुड़ता जाता है तो एक लाइन बनती जाती है। सो पॉइंट एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, बट एक पोजिशन है। तो ये एक और बात आप याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट को हम एक डॉट के साथ या एक छोटे से क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
सो पॉइंट के बाद हम आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइन पे। सो लाइन क्या होती है? अ लाइन इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल फिगर अ लाइन इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच एग्जिस्ट इन वन डायमेंशन एंड हैविंग नो थिकनेस, यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जो वन डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक इस तरह से एक लाइन बना लेता हूँ। ये लाइन किसी भी हॉरिजेंटल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ की जा सकती है और ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगी। एंड सेकेंडली इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, मतलब इसकी थिकनेस को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर, इस लाइन के अंदर बेतहाशे पॉइंट्स होते हैं, इतने ज्यादा कि इनको हम काउंट कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कोई दो पॉइंट्स इसके हाईलाइट करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हैं, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान आने वाली एक लाइन का पीस है, वी गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ लाइन। सो दिस स्मॉल पीस ऑफ अ लाइन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये एक छोटा सा पीस है जो दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। अच्छा, ये लाइन बहुत डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है इनडेफिनेटली, मतलब बी के ऑनवर्ड ये एक्सटेंड हो रही है और एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है। मतलब यहाँ एंड पे इसकी कोई इंतहा नहीं है, ये एंडलेसली पॉइंट बी के बाद एक्सटेंड हो रही है राइट साइड पे और पॉइंट ए से पहले ये एक्सटेंड हो रही है लेफ्ट साइड पे एंडलेसली। तो अगर हम कोई दो पॉइंट्स को नहीं देखते और उनके बीच वाली सेक्शन को नहीं देखते, तो फिर ये तो लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, ऐसे दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो ये एक्सटेंडेड जो लाइन सेगमेंट है विच इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। So, कोई भी लाइन हो वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स का। फिलहाल तो यहाँ हमने दो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, लेकिन इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स हैं और वो जब पॉइंट के साथ पॉइंट जुड़ते जाते हैं तो फिर ये एक लाइन जनरेट होती है। जनरली एक लाइन को दोनों तरफ एरो हेड लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है और वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। सो दिस इज द लाइन, और इसका मतलब ये होता है कि दिस लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम बोथ साइड्स इनडेफिनेटली। सो ये एक डेफिनेशन थी लाइन की। और इसके बाद अब हम रे की डेफिनेशन पढ़ेंगे। रे इज अ लाइन दैट एक्सटेंड्स indefinitely in only one direction। रे भी एक लाइन होती है, लेकिन ये एक ऐसी लाइन होती है कि जो एक ही डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती जाती है। और इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक लाइन है और ये इस डायरेक्शन में तो एंडलेसली एक्सटेंड होती जा रही है, मगर यहाँ पे इसका एक पॉइंट है जिसको एंड पॉइंट कहा जाता है। इसको हम किसी भी ए से या अल्फाबेटिकली इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए पे आके ये लाइन एंड हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन में ये लाइन इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती जा रही है। इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। दिस लाइन हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम वन डायरेक्शन बट हैज वन एंड पॉइंट ऑल्सो। So, इस तरह की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं रे। अब लाइन और रे के बाद जो अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस।
इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस विच हैव अ कॉमन पॉइंट से एक्स और कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो वाली दो लाइन जिनके दरमियान एक कोई कॉमन पॉइंट हो, उन दो लाइनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन एंड आई नेम्ड इट एज ए बी, ए बी इज अ लाइन एंड नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन से सी डी, दीज आर टू लाइन्स ए एंड बी, बट दे हैव दिस पॉइंट विच इज कॉमन इन बोथ दीज लाइन्स, एंड वी रिप्रेजेंट दिस पॉइंट विद द अल्फाबेट एक्स। सो दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दो लाइनें हमने ए बी और सी डी ड्रॉ कर ली, जो कि एक्स पे एक दूसरे को टच करके गुजर रही हैं। तो ये जो एक्स वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली इन दो लाइनों में कॉमन हुआ है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इन दो लाइनों को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड आफ्टर लर्निंग इंटरसेक्टिंग लाइंस वी मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं, एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट इज प्लेन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक विच इज इन ओ लेवल मैथमेटिक्स। सो आई डिफाइन इट एज अ रीजन वेयर पॉइंट्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड प्लेन। एक ऐसी रीजन जहां पे मुख्तलिफ पॉइंट्स को लोकेट किया जा सके, जिनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जा सके, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, प्लेन। और या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, अ फ्लैट सरफेस सरफेस वेयर टू पॉइंट्स ए एंड बी व्हेन जॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन भी व्हेन जॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन दैट लाइज इंटायरली ऑन दैट सरफेस। इस कॉल्ड प्लेन, यानी इस चीज को इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक प्लेन एक ऐसी सरफेस है जहां पे दो पॉइंट्स को हम अगर एक स्ट्रेट लाइन के जरिए जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। अगर हम पॉइंट ए को पॉइंट बी से जोड़ दें और एक स्ट्रेट लाइन बन जाए ऐसे, और वो स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी उस सरफेस के ऊपर फ्लैटली बिछ जाए और किसी भी पॉइंट से वो लिफ्ट ना हुई हो, यानी जैसे अगर आप क्लासरूम में हैं, तो अगर आप क्लासरूम के फ्लोर पे कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन आप देखते हैं कि वो पूरी की पूरी क्लासरूम के फ्लोर पे मतलब बिछ चुकी है और किसी भी पॉइंट से वो उठी हुई नहीं है और अपनी सरफेस से लिफ्टेड नहीं है। तो ऐसी सरफेस को हम कह सकते हैं प्लेन, बट चूंकि ये फ्लोर है तो आप इसको हॉरिजेंटल प्लेन कह सकते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन।
और अगर यही लाइन आप एक दीवार में ड्रॉ करें तो ये लाइन थोड़ी सी, अगर ये दीवार में ड्रॉ करें तो आप एक वर्टिकल लाइन दीवार में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दीवार पे ड्रॉ होने वाला है वाली लाइन, पूरी की पूरी लाइन दीवार के ऊपर फ्लैटली फ्लैट होके बिछ चुकी है, मतलब किसी भी पॉइंट से वो अपनी जगह से लिफ्टेड नहीं है। तो इस वॉल को आप कह सकते हैं आप वर्टिकल प्लेन। सो ये थी डेफिनेशन ऑफ प्लेन। डेफिनेशन ऑफ प्लेन के बाद अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन। लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन से भी पहले हमें एंगल की डेफिनेशन पढ़नी है। सो व्हाट इज दी एंगल? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज नाउन एज एंगल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रेज हैं, लेट्स से दिस इज द रे वन एंड वी नेम इट एज ओ ए एंड दिस इज द अनदर रे एंड वी नेम इट एज ओ बी। सो ये दो रेज हैं जिनका एक ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स का, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो बनता है इन दो लाइनों के दरमियान तो इसको हम कहते हैं एंगल। सो दिस इज दी एंगल बिटवीन टू रेज ओ ए एंड ओ बी एंड दिस कॉमन पॉइंट बिटवीन टू रेज ओ ए एंड ओ बी इज नाउन एज वर्टेक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। सो वी विल लर्न अबाउट एंगल इन डिटेल आफ्टर सम टाइम, बट नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। आई एम सेटिंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड नाउ फ्रॉम हेयर आई एम ड्रॉइंग एन अनदर लाइन दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। और आप देख सकते हैं एंगल्स के बारे में चूंकि हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे तो जस्ट परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन के लिए आपको समझना जरूरी है कि वो दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, इन दो लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर each other at an angle of 90 degree are called perpendicular lines. तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बस यहीं तक। पॉइंट लाइंस और प्लेन्स के मुतालिक हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिटेल से एंगल्स और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इस टॉपिक में से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सो तब तक टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।